Question number 163. If measuring the sides of a rectangle, there is an excess of 5% on one side and 2% deficit on the other side, then the error percent in the area is. आपने क्या किया, आपके पास एक rectangle था, आपने उसको measure करते हुए गलती कर दी. Suppose करो उसकी original length और breadth थी वो 100-100 थी. मान लो एक rectangle था, उसकी length जो बिल्कुल ठीक थी वो 100 थी और जो breadth थी वो भी 100 थी. लेकिन जब आपने measure किया, आपने मेजर उसको ठीक से नहीं किया, आपने लेंथ को 5% ज़्यादा, एक्सेस क्या होता है, ज़्यादा ज़्यादा नाप दिया. 100 का 5% 5 होता है, तो मीन्स आपने लेंथ को 105 नाप लिया, है सो है मेजर कितना कर दिया 105. डेफिसिट होता कम, कमी, लेकिन जो ब्रेथ है उसमें आपने 2% की कमी कर दी. जब आपने ब्रेथ नापी, ब्रेथ में आपने 2% का डेफिसिट कर दिया, मीन्स 100 में से 2 निकालो 98, तो ब्रेथ आपने कितनी मेजर की 98 कर दी. ठीक है, अब आप ये बताओ, आपसे पूछा कि एरर कितना आ गया, देन द एरर परसेंट मीन्स कितना बीच में गलती आ गई, इसके एरिया में एरिया आना कितना चाहिए था, एरिया होता लेंथ इंटू ब्रेथ, आना कितना चाहिए था 100 × 100 मीन्स 10,000 एरिया आना चाहिए था. लेकिन हुआ क्या, हुआ तो ये आपने लेंथ 105 निकाल दी और ब्रेथ 98 निकाल दी. इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आता है 10,290, 10,290. मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ, मल्टीप्लाई देखो इसको ऐसे करना, 105 98 को 100 - 2 लिख लो. ठीक है, एक और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, एक और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, शॉर्टकट हो जाएगा. 105 00 - 105 का 105 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 210. 210 कम कर दो, पहले 200 कम कर दो, 10 300, फिर 10 और कम कर दो, 10 290. इतने ही बना ना, कैसे क्या, देखो 10 500 में से पहले 200 का माइनस कर दिए, 10 300 रह गए, 10 और माइनस करो क्योंकि 210 था ये, तो 10,290 आ जाएगा, 10,290 आ जाएगा. तो आपने निकालना एरर परसेंट, एरर परसेंट वो कैसे निकलेगा, एरर कितना आया अपॉन ओरिजिनल जो वैल्यू थी, है ना, इनटू 100. ये फॉर्मूला होता है, पहले एरर देखो कितना आया, 10,000 था ठीक वाला, निकाला कितने आपने 10,290, एरर कितने का आया, मीन्स ज़्यादा आ गया एरिया 290, तो जो आपका एरर है वो 290 का आया, तो एरर 290 ऊपर रखो, ठीक वाली वैल्यू कितनी थी 10,000 उसको नीचे रखो, इंटू 100, दो जीरो से दो जीरो कट गई, एक जीरो से ऊपर जीरो कट गई, 29/10. हाँ, नीचे एक जीरो है ना, एक के बाद एक ही जीरो है, तो ऊपर से एक डिजिट को छोड़ के पॉइंट लगा लेना यहाँ पे, तो आंसर कितना आ जाएगा 2.9%. थर्ड ऑप्शन इसका आंसर आएगा.